चलिए रीट्राई 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 कर रहे हैं, तो देखते हैं अभी आपको मैं दिखाई और सुनाई दे रही हूँ या नहीं। सो आई एम जस्ट चेकिंग नाउ। हाँ अभी आई गेस। हेलो एवरीवन, वेल आई गेस सतपति वांट्स टू बी इन योर वीडियो। अच्छा ये एक इंस्टाग्राम की तरह शुरू है। मैं चेक कर रही हूँ कि आजकल नया शुरू हुआ है कि यू कैन थोड़ा सा रिस्क है, मैं अभी इसको रहने देती हूँ। अब उस चेक थोड़ा थोड़ा सीख जाऊँ उसके बाद। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी दैट आई एम ऑडिबल एंड यू कैन सी मी एज वेल। हाय रिचा मैम, अरुणा गुप्ता हेयर लुकिंग गॉर्जियस। अरुणा थैंक यू। खैर गॉर्जियस तो ठीक है, ये सब लाइट्स वाइट्स मैंने कर दिए तो थोड़ी ठीक ठाक दिख रही, नहीं तो अभी हालात ठीक नहीं है। आई हैव गेन सो मच वेट, मैंने बहुत वज़न बढ़ा लिया है बिकॉज थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहा है, तो आई एम नॉट अलाउड टू गो टू द जिम, नॉट इवन आई कॉन्ट गो ऑन स्टेयर्स। मैं सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, मतलब सब हेल्थ थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है, बट इट विल बी फाइन। यू ऑल प्रे फॉर मी कि मैं जल्दी सही हो जाऊँ और अपनी हेल्थ पे और ज़्यादा ध्यान दूँ, फिटनेस पे। बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं देना, आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू करें अपना हेल्थ को लेके, बहुत केयरफुल रहें, अच्छा खाना खाएं। खाना तो मैं भी सही से खाती हूँ, ठीक खाती हूँ, बहुत थोड़ा खाती हूँ लेकिन घर का खाती हूँ। और आप लोग भी अपनी सेहत का, ये जो हाल अभी चल रहा है, मैं ये कह रही थी लास्ट जब मैं अभी पीछे वाली मैं लाइव में आई थी कि हालात फिर से बिगड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, जो ओमिक्रॉन और ओमिक्रॉन जो भी नाम है और कोरोना, ये फिर से तेज़ी पकड़ रहा है, बहुत फास्ट केसेस बढ़ रहे हैं। तो आप लोग अपनी हेल्थ का अपनी ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क ऑन ऑलवेज, एंड ट्राई कि जब जब आप बाहर जाएं, कोई इमरजेंसी हो तभी जाएं, अदरवाइज़ घर पे अपनों के साथ बैठें। तो मैं मेरे अपनों में सिर्फ मेरे भैया के साथ हूँ इधर मुंबई में, और भी कुछ लोग हैं जो क्लोज हैं तो हम मिल लेते हैं। बट आज थोड़ा बिल्कुल ही बोरियत थी, तो और ऐसा माहौल है तो सबको घर पे नहीं बुला सकते हैं इतनी जल्दी, तो आई थॉट कि ये जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है फेसबुक इंस्टाग्राम, आप लोग भी तो मेरे अपने हो चुके हो, आप भी मेरी परिवार बन चुके हो, तो सोचा लाइव आके आपसे थोड़ी चिट चैट बातचीत की जाए। बिकॉज जब मैं फर्स्ट टाइम लाइव आई थी 2 जैन को या 1 जैन को आई थी, तो मैंने आपसे बात नहीं की थी, बट बस गाने किए थे। सो आई जस्ट थॉट कि आज आपके साथ बात की जाए। भावना द्विवेदी, गेट वेल सून एंड स्पीडी रिकवरी। मैं वैसे ठीक हूँ, थोड़ा सा मेरा नी में इशू आया है, तो इसलिए मैं नहीं अभी कोई भी जिम या ट्रेनिंग, इवन योगा भी ऐसा, मैं कुछ मेरे नी से रिलेटेड, बिकॉज उसके ऊपर बहुत सेंसिटिव बात है। बाकी मैं परफेक्टली फाइन हूँ, मुझे कोई बुखार नहीं, जुकाम नहीं, मैं एकदम परफेक्टली फाइन हूँ। ओनली थिंग इज़ कि जिम वगैरह नहीं छूटा है, और आप बैठे रहते हो तो वज़न बढ़ता है। मैं क्यूट लगती हूँ, ऐसी बात नहीं, मोटी मोटी भी दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। But yes, I have to take care of my weight also. But थोड़ा एक 5-6 महीने बाद भी 4-5 महीने rest करना है मुझे। My full family are big fan of yours. We always love your songs.
need your blessings to us too. इंडी स्ट्रीट रॉक स्टार, मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको इंडी स्ट्रीट रॉकस्टर्स रॉकस्टर्स ओके एंड हु एल्स माय फेवरेट सिंगर राशिद सरदार जी, शुक्रिया. हाय रिचा जी, आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान एंड आई लाइक टू हियर योर सॉन्ग्स, यू आर रियली गुड सिंगर. थैंक यू. आपका उर्दू में नाम लिखा है तो मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती है. पुलकित, एनी न्यू अपडेट्स ऑन सिंगल और म्यूजिक वीडियो? यस, ये अच्छा सवाल है पुलकित. एज यू ऑल नो कि कुछ वक्त पहले, तीन महीने चार महीने पहले, आई वेंट टू कश्मीर. वहाँ पे हमने एक दो गाने शूट किए हैं जिसमें से एक गाना बिल्कुल रेडी अब मेरे हाथ में नहीं है, वो कंपनी के हाथ में है, म्यूजिक लेबल के हाथ में है. आई एम जस्ट वेटिंग कि वो कब रिलीज करते हैं. एंड दैट सॉन्ग इज मौला अली, ब्यूटिफुल सॉन्ग. रिचा शर्मा इज द बेस्ट सिंगर फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र. शोना सोनू, आई लिव इन मुंबई बट आई एम फ्रॉम हरियाणा फरीदाबाद. आशा भट्ट, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी योर वेल विशेज. इर्शाद जी, शुक्रिया. आई टॉक टू मिस्टर गुप्ता, ही वॉज सेइंग टू कॉल मी. हु इज़ मिस्टर गुप्ता? प्लीज़, मुझे बहुत सारे गुप्ता उसको मैं जानती हूँ, तो आप किस गुप्ता की बात कर रहे हैं? एंड ही, हाय सिफाली, सो क्यूट सिफाली. हाय, आप सिफाली हैं. थैंक यू सो मच. माय फेवरेट सिंगर अशोक भाई, अशोक नाई. ओके, ब्यूटीफुल बहना अनूप दुबे जी, शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, ज़रूर हैदर. दिशु गुप्ता, गेट वेल सून मैम. थैंक यू. लव फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान. गॉड ब्लेस यू रिचा जी. सलमान संधू जी, शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम. यू आर माय फेवरेट सिंगर हितेश चौधरी जी, शुक्रिया. धन्यवाद. स्टे ब्लेस्ड मैम. प्रिया सिंह, शुक्रिया. मैम, योर वॉइस इज यूनिक, आई लव योर वॉइस. एमी जे गौर, थैंक यू सो मच एमी. प्रणाम. ऋतिक गुप्ता, खुश रहिए ऋतिक, बहुत बहुत खुश रहिए. आशीर्वाद. मैम प्लीज सिंग सम स्पेशल. अच्छा, ओके, सिंग की बात. सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ. जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं तुम्हारे रूप की छाया में साजन. तुम्हारे रूप की छाया में साजन. बड़ी ठंडी जलन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ. मुझे बस इतना ही आता था. और कभी कभी मैं लिरिक्स, बिकॉज आई एम नॉट अ गज़ल सिंगर बट आई लव लिसनिंग टू गज़ल्स, बहुत लोगों को सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मैं जब भी गज़ल गाने की कोशिश करती हूँ तो मेरी हालत ऐसे 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 हो रही होती है. बट आई लव गज़ल्स. अच्छा, ओके, इसमें अच्छा, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और फिर मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ. बहुत लोग नीचे मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं बट मुझे ज्वाइन करना नहीं आता है. चलो पुलकित आई नो, तो मैं पुलकित के साथ ट्राई करती हूँ. पुलकित हमारे एक फैन हैं, छोटे से प्यार से बच्चे हैं, और मैंने भेजा तो है, अब देखते क्या होता है.
ऊपर लिख क्या है, एडिंग एडिंग एडिंग। हाय पुलकित, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे पुलकित? मैं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं बस बैठा था, देख रहा था, बस रेडी था मैं अपने लैपटॉप के साथ। मैंने बोला कभी भी हाँ ये तो है, ये कभी भी बॉम्ब फूट सकता है मेरी तरफ से। आदत हो गई अब 2-3 साल से। बहुत बहुत बढ़िया बात है। कहाँ हो, दिल्ली हो, किधर हो? नहीं, अभी तो मैं सोनीपत हूँ, अभी घर पे ही हूँ क्योंकि एवरीथिंग इज शट नाउ, स्कूल्स भी बंद हो गए हैं। तो घर से चल रही होंगी क्लासेस? वही ऑनलाइन चल रही है अभी। मेक श्योर कि अच्छे से पढ़ाई करना, ये जी इसका असर मत आने देना अपने ऊपर। जी स्टडीज जी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। एंड चलो कुछ सुना दो फटाफट, तुम्हारा रियाज कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो बस रेडी था, बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको सुनाऊं। मैं दया घना सुनाता हूँ आपको। सुनाओ। कुछ ऐसा सुना दो जो ये जो जितने लोग हैं उनको भी समझ आ जाए, क्योंकि दया गाना बहुत लिमिटेड लोग हैं जो जानते हैं। मैं तो ऑफकोर्स जानती हूँ, बट ऐसे लोग जो हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं उनको भी पता हो गाना, तो वो थोड़ा एंजॉय करते हैं। डू यू नो एनी अभी एनी वो माइक सॉन्ग, मेरा तो एक बार एकदम से चेंज करूं। कोई और गाना, कोई भजन भी चलेगा, कोई और भजन भी चलेगा, एनी भजन? एक्चुअली अभी माइंड में एकदम से आ नहीं रहा। मैं थोड़ा सा दया खाना सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो राग ही ऐसा है कि सब लोगों को बहुत पसंद आए। अच्छा तुम बहुत बहुत तेज हो गए हो अभी, चलिए सुनाओ। नहीं सॉरी। दया घना का टूटले, वो पहले एक लंबी सांस लो, थोड़ा लंबी सांस लो, अंदर भरो सांस को, और उसके बाद सांस को ऐसे छोड़ो। काम, और किसी के बारे में मत सोचो, बस बिंदास गाओ। चिमड़े उरलो बंधी तो जा मी दया घना, थोड़ा धीरे धीरे। अरे जन्म बंदी वास सजाए थे प्रत्येक कास चुके ना कुणा से आता बंधी तो जा मी दया घना वाह, दाह दिशांची कोठाई मोहमाया झाली बेड़ी दाह दिशांची कोठाई मोहमाया झाली प्राण माझयो बंधी तो जा दया घना रसूल अल्लाह पीड़न पीर कर दो कर दो बेड़ा पार हमारा रसूल अल्लाह।
अभी बहुत बीट्स हो रही है ना, तो मेरे उस ऐसे थोड़ा सा नहीं, मुझे दिख रहा है, वो समझ आ रहा है, नर्वस हो, लेकिन नर्वस नहीं हो। अगर गाना गाना है, चाहे एक लाइन गाओ चाहे पूरा गाना गाओ, जब गाओ तो डरो मत, घबराओ मत। जी। पहली बात तो गाना गाना, ईश्वर ने सुरों को तुमसे नवाजा है, तुम्हें तुम्हारे अंदर अगर 5% भी सुर है, 10 भी है, 100 भी है, वो किस्मत की बात होती कि हम लोगों को ईश्वर ने सुर दिया है। मेरे लिए तुमको लेके ये प्राउड फील होता है। स्टिल रिमेम्बर 2-3 साल पहले तुम्हारा सा ये चल रहा होता था और गा तुम यहाँ रहे होते थे, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है तुमको सुन के। बस ये कि जल्दबाजी नहीं, जितना ठहराव रखोगे उतना अच्छा गाना सुंदर और खूबसूरत सुनाई तो देगा ही। गाना देखिए बहुत सुर में बहुत लोग गाते हैं, बहुत गाते हैं, कोशिश करनी चाहिए गाना दिखा भी दो खूबसूरत। गाने की शक्ल बनाना आपका काम है ना? रियाज तो आप कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जैसे आपने वो जगह लिया ना, दया घना जो है ना, वो जगह दया, तो इतना स्ट्रेस्ड आउट वाला, हर बार नहीं, बार बार रिपीट नहीं, नेचुरली जो आता है ना दया, ये जो चीज है ना, ये स्ट्रेस दिखता है उसमें कि आप यू आर स्ट्रेसिंग जी आउट। वो जी जगह आपने तैयार की है उस हिसाब से ही आपको गाना है। सो फॉर एग्जाम्पल आप आ रहे हो दया घना, यू कैन गो लिटरली लिटिल काम, थोड़ा राइट राइट प्यार से ऐसे, है ना? जी। चलो, नाइस टॉकिंग टू यू, कीप गोइंग, कीप शाइनिंग, थैंक यू, एंड अब कीप प्रैक्टिसिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और स्टडी पे बहुत 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 ध्यान देना। यस यस, थैंक यू, बाय। ओके, बाय बाय, टेक केयर। सो ये पुलकित हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है पुलकित को आज सुन के। इतने 3-3 साल हो गए शायद पुलकित मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे फैन क्लब में, और बहुत खूबसूरत अभी उनकी तैयारी हो गई है, काफी सुर में आ गए हैं और अच्छी मेहनत उनकी दिख रही है। और देखिए मेहनत, और ही इज वेरी यंग, बहुत छोटे हैं अभी, मेरे ख्याल से 15-16 साल के हैं, तो बाय द टाइम वो एक प्रॉपर एज में आएंगे तो काफी सुधार और काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और जो म्यूजिक ऐसी चीज है ना कि जिसमें जितना डुबकी लगा उतना ही आपको और जिंदगी में कामयाबी हासिल होती है। सो चलिए, अभी बहुत अच्छा पुलकित ने माहौल जमा दिया, तो इसी बात पे हम कुछ पढ़ लेते हैं। वी ऑल फ्रॉम कश्मीर बट स्टिल ट्रैफिक जैम इन रामबंद फ्रॉम 10:30। ये आप मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? मैं तो यहाँ मुंबई में बैठी हूँ। Though I want to come to Kashmir very soon. I like your song, ma'am. I am from Mauritius, Munangur Lina. Thank you so much for joining. And Sobia Nasir, love you so much. Love your voice. Thank you, Sobia. Tarunjeet Kaur, beautiful. Thank you. I'm from Pakistan, Pathani Jine. Thank you for joining, madam. A lot of love and respect from beautiful Assam. Oh yes, I've heard a lot about Assam. मुझे सच में आसाम आना है, एक बार वहां भी आना है। हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, मुझे जिंदगी और तबीयत रही तो मैं चाहूंगी हिंदुस्तान के सब जगहों पे एक बार तो विजिट जरूर करूं, और मैं देखूं कि हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है। एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू यू नो बॉर्न इन द यू नो होली कंट्री इंडिया, देवों की भूमि है ये। सो एनीवे, जाते जाते, अरे जाते जाते कोई चलिए यही सुना देती हूँ जाते जाते, और फिर नेक्स्ट टाइम। मैंने अभी समझ लिया है, सीख लिया है कि कैसे ऐड करते हैं एक सेशन। हम एक बार मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ ये वाला सेशन फैंस के साथ, बट थोड़ा प्लान करके, ताकि कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, टेक्निकल कोई ग्लिच नहीं होना चाहिए। सो प्लान करके एक चैट ऐसा रखेंगे जिसमें आप सबसे मैं रूबरू हूँ, आप अपने मन की बात मुझसे कहें, मुझसे कठिन कठिन सवाल करें, और मैं जवाब देने में थोड़ी मुझे परेशानी हो। सो वो अलग हम सेशन जरूर करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा समझ आया मुझे कैसे करते हैं इधर ऐसा लाइव चैट, 1-on-1। बट जाते जाते कोई मेरी खुशियों को ले गया, हम एक गाना ये गा के एंड करते हैं अपने
सेशन को, आज के सेशन को। आपने बहुत अच्छे से मेरा साथ दिया, बहुत मुझे मजा आया, थोड़ी आपसे बातचीत की, थोड़ा वक्त खूबसूरत हो गया। हाँ, थोड़ा सा डल फील कर रही थी, नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड, एनर्जेटिक, हैप्पी। सो सुर लगाते हैं। जाते जाते कोई मेरी खुशियों को ले गया, सोनी सोनी अखियों को हम कोई दे गया, आस जो लगाई है आंख भर आई है, इतना भी कोई सताए न रब्बा। जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए न रब्बा, देने हो गर मुझे बाद में आंसू, हाय पहले कोई हंसाए न रब्बा। दिल लेने वाले तेजो नहीं चलता, प्यार का ये सिक्का कहीं और नहीं चलता, आस जो लगाई है आंख भर आई है, इतना भी कोई रुलाए गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिएगा, जरूरत ना हो तो अननेसेसरी बाहर ना निकलें, घर पे रहें। मुश्किल वक्त है ये, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, थोड़ी सी एक उम्मीद बनी थी बीच में कि ये सब ठीक होने जा रहा है, बट सडनली कहीं तो कुछ ऊपर वाले को कुछ नाराजगी हो गई है, नीचे जो धरती पे लोग हैं सजा मिल रही है, लेकिन इसको स्वीकार करते हुए और ध्यान रखते हुए अपनी सेहत का, दूसरों की सेहत का, आसपास जो लोग हैं उनकी सेहत का, प्लीज 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 बहुत ख्याल रखिए। बहुत इस बारी मैं जितना न्यूज में देखती हूँ, रोज ऐसे दिल में धक धक होती है कि केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज करते रहें दिन में। मुझे बुरा लग रहा है ये बातें कहते हुए, क्योंकि जब लॉकडाउन पहला हुआ तो आई यूज टू टेल दिस एवरी डे, रोज मैं लाइव आती थी और आपको एक वापस जैसे स्प्रिंग खिंच गया, वापस सेम जीरो पे पहुंच गए हैं। बट हम सब स्ट्रांग है, वी ऑल आर स्ट्रांग, वी विल फाइट डेफिनेटली वेरी स्ट्रांगली, और हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम तू अगर संग है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तो इस जंग को भी जीत जाएंगे। बिल्कुल भी घबराइएगा मत, सब अच्छा होगा, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइजर करते रहिए, अननेसेसरी घर से बाहर न जाएं। शुक्रिया, गुड नाइट, बाय बाय, शबा खैर, लव यू ऑल।